तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान। इसमें मेरिट नहीं है, सिर्फ इकतदार के लिए आपके नाम के आखिर शरीफ लिखा होना चाहिए, लिखा होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। खिलाड़ियों के कप्तान इमरान खान ने बूरेवाला में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और उनकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बोले कि आवाम इन हुक्मरानों से पूछें कि इक्तदार में आने से पहले उनके पास लंदन में कितने महल थे, मुल्क और कौम का पैसा लूट कर ये अरबपति बन गए। आप एक चीज देखें कि नवाज शरीफ के खानदान के पास इक्तदार में आने से पहले लंदन में कितने महल थे और आज कितने महल है। इससे पहले गुग मंडी में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि अवाम ने फैसला दे दिया है कि अब करप्ट लीडर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान की अवाम फैसला कर बैठी है। 3 तारीख को लाहौर में हम निकल रहे हैं नवाज शरीफ, और हम आपको दिखाएंगे कि अवाम किधर खड़ी है। अवाम फैसला कर बैठी है कि वो एक करप्ट लीडर के नीचे नहीं चलेगी। इमरान खान का कहना था कि कराची के लोग मुल्क के लिए जान देने को तैयार हैं, लंदन में बैठा आदमी पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैला रहा है, उसका दौर भी खत्म हो गया।